कौन सा आदमी है जो अपने जात को बड़ा कर दिया, कोई विदात मेरे को चाहे यूपी हो बिहार हो दुनिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई जात किसी को बड़ा नहीं किया है। पटीदारे पटीदार के तहत दूसरा गांव के लोग ना चले भाई भाई के दुश्मन होगा, यही बताओ जब भाई भाई के दुश्मन है तो कौन आजा कहीं आज तक बढ़ा दी केहू पंडित जी केहू पंडित जी के बढ़ा दी। तो जिंदगी में आप अपने बेटे को बड़ा करिए, आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। एक तारीख को आपको कैंची कहीं नहीं थी, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, आपके बच्चों के स्कूल के लिए वोट करना है। तू लोग केहू नेता लगे जाए खाली परमिशन लेवे के पड़े, लेकिन कौन सी में लगे जाए खाली तब तक भूख बोले तो भाई कम हो गया हो, क्योंकि आप लोगों ने पवन जी को बनाया है। पवन सिंह एक छोटे गांव के बेटे हैं और आपने इतनी बड़ी सम्मान दे दी पवन सिंह को, इससे बड़ा सौभाग्य किसी कलाकार के लिए क्या हो सकता है। आज के सारे कार्यालय थोड़ी धूप में क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है, ये क्यों खड़े हैं, ये पूरी समाज की खड़ा है। अरे पैसा देके जाओ ये जिंदगी में आप सबका अधिकार है। भविष्य में आज ना तो हम नेता बनिए जाए, लेकिन भविष्य में ये लोग जाते हैं एक रास्ता बनाते हैं कि जब बनाए हुए लिख के हम चलने की कोशिश करते हैं। पवन सिंह पूरे भोजपुरी के अभी से लेकर और जब तक ये भोजपुरी रहेगी, इनसे बेहतर गायक भोजपुरी को आज तक ना मिला है ना मिलेगा। इस आदमी के गले में ना जिस तरह लाता मंगेशकर का गला अमेरिका मांगा था, मुझे लगता है इनका भी आज नहीं तो गला कोई ना कोई मांगी लेगा। और ये आदमी सिर्फ थमने नहीं देगा, क्योंकि कौन से बोलते हैं ना तो पूरा दुनिया सुनता है। तो सोचिए कि जब कानाघाट के बारे में ये आदमी विधानसभा में पहुंचे तो सोचिए कितनी धूम का दबाव चाहिए। तो हमें ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे लिए बात करे और उसकी बातों का वैल्यू हो। किसी नेता के बारे का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हर बार पर वो सिर्फ वादा ही करते हैं, उनके वादे में ही जितनी बातें होती है, लेकिन वो सारे वादे कभी संसद भवन में नहीं पूछे हमारे विकास के लिए। आज तक भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में कोई कोई नहीं लाया, क्यों नहीं लाया? इतने सारे नेता बने गए हमारे भोजपुरी से भी तीन तीन जगह बनी है, सरकार अब हम निकलते। अब बताओ, और सबसे बड़ी चीज किसी को पार्टी की जरूरत उसको होती है, किसी को पार्टी की जरूरत उसको होती है जिसके पास अपनी औकात नहीं होती। पवन सिंह राजा है और इस आदमी की औकात आप सब है, आपका प्यार है, आपका अधिकार है। और मुझे पता है, पहले मुझे लगता था कि 2-3 लाख से लीड करेंगे, लेकिन खेसरिया आएगा तो कम से कम 8 लाख से लीड करना होगा, 8 लाख से है जाके चाहिए, एक वोट देंगे उन्हें ना जाके चाहिए। अब फिर कहा जाए 8 लाख के आई लव यू। और कहना है कि जैसे आप लोग भैया को वोट देंगे हम आगे करेंगे देंगे। जिंदगी में यही है, आप सबसे एक भाई आपका निवेदन करने आया है, कुछ मांगने आया है, पहले बार इस धरती पे मैं आया हूं। और आप लोग निराश करके भेजेंगे नहीं मुझे, आप लोग मुझे प्यार करके भेजेंगे ना, तो मेरे हिस्से के सारे प्यार मेरे बड़े भाई को ले लीजिए, एक बार ताली बजा के लगा। सबसे पहले मंच में उपस्थित हमारे जितने भैया हैं, कुछ बहन हैं, और मंच के सामने
हमारे भगवान खड़े हैं। ये कड़ाके की गर्मी में, ये तपती धूप में, 47 डिग्री टेम्परेचर में आप सब आशीर्वाद देने खाली खड़ा खा लीजिए। हम आप सबके सामने साष्टांग करते हैं। हमनी के गुलरुआ स्टार, हमनी के प्यारा सुपर स्टार और हम सब के ट्रेंडिंग स्टार, आप सबसे इतना कुछ शेयर किया अपने दिल की बात, मैं भाई को अपने दिल से जरूर बोलता हूं। मैं हम इतने कहा केहू केहू कहा था कि पवन खेसारी के पीछे ये जितने नौजवान घूम रहे हैं ये सब लफड़े हैं, ये सब सेल्फी लेने के लिए पवन खेसारी के पीछे हैं। उनको बता दूं सबसे पहले ये नौजवान लफड़ा आपके लिए हो सकते हैं बट पवन खेसारी के लिए जा रहे हैं। आज आपका आशीर्वाद, आपका संदेश, आपका सपोर्ट, आपका दुलार अगर पवन खेसारी में नहीं होता तो आज पवन खेसारी नहीं होते। पवन खेसारी के जैसे बहुत लोग घूमने वाले, लेकिन भैया हो इसलिए बोलता हूं कि रियल स्टार आप है, रातों रात किसी को भी सुपर स्टार बना देते हैं। मैं बाबू भाई भैया हमारा अजिया भाई ठेन करे कुछ बोलने नहीं के साथ, लेकिन आप सबके बीच में आने के बाद थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाता है। हम इतने कहा एगो माई अपना बेटा के आशीर्वाद लेके आप सबके बीच में भेजले भैया, ये बोल के कि पवन आज भी गलती करता है तो मैं इसको कान पकड़ के क्वेश्चन कर पाती हूँ, और यह अधिकार लेके आप सबके बीच में भेजे कि पवन से भी अगर कभी गलती हो तो आप भी मेरा कान पकड़ सकते हैं और क्वेश्चन कर पा सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है, तुमको सही काम करना है। हम बोल नहीं पा रहे हैं बस इतना कहा आप सबसे कि गरीब ही समझ सकता है कि गरीब का दर्द क्या होता है, एक गरीब ही समझ सकता है कि हमारे परिवार में क्या तकलीफ है, हमारे परिवार में क्या दुख दर्द है। तो भैया ये सोच के आप सब 1 तारीख को 12 नंबर पे कहा बना तमाम हमसे तो नहीं क्या बोला था आपकी भोट को बड़े लोग जिंदगी